नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई महास की सभी ताजा खबरें एवं घटनाएं। उद्धव ठाकरे की सरकार को कल साबित करना होगा विश्वास मत। राज्यपाल ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। वही मुंबई के कुर्ला में बिल्डिंग गिरने से अब तक टोटल 19 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी ने भी जताया दुख। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच आदित्य ठाकरे का दावा, अगवा विधायक आना चाहते हैं वापस। वहीं एक और बड़ी खबर, मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी बने रिलायंस जियो के चेयरमैन। वहीं उद्धव ठाकरे संजय राउत पर देशद्रोह का केस चलाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी, सार्वजनिक शांत भंग करने का लगाया आरोप हेमंत पाटिल। वहीं एक दर्दनाक घटना सामने आ रही है, मौत का जाल बना पुराना पुणे मुंबई हाईवे, ट्रेलर की टक्कर से मां बेटे की दर्दनाक मौत। वहीं एक और बड़ी खबर, पात्रा चाल लैंड स्कैम में संजय राउत का दूसरा सम्मन, ईडी ने 1 जुलाई को पेश होने को कहा। सीएम उद्धव ठाकरे भावुक होके बोले, मुंबई लौटे और मुझसे बात करे, गुवाहाटी में डेरा डाले बागी विधायकों से, उद्धव ठाकरे ने कहा। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी ने महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बांटने की रची साजिश, शिवसेना मुखपत्र सामना में बड़ा दावा। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई के कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना जताई। मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम आज भी स्थिर है। बस, टैक्सी और मुंबई लोकल ट्रेन समान तरीके से चल रही है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। सभी ताजा खबरें से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।